पत्र दिया। 2023 में 25 अप्रैल दिन शनिवार को अक्षय तृतीया है। इस अक्षय तृतीया पर आप क्या विशेष करना चाहिए, आपको क्या रत्न खरीदना चाहिए, आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाली तिथि। इस दिन केदारनाथ के पट खोलते हैं, इसी दिन मथुरा में वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। इस दिन विष्णु भगवान की विशेष रूप से आराधना माता मां लक्ष्मी के साथ में की जाती है। अक्षय धन की प्राप्ति, अक्षय धन की पूर्ति के लिए आप विभिन्न तरह की चीज़ों को अगर अपने घर में इस दिन लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे आपके घर में अक्षय उन चीज़ों के अक्षयता अक्षुणता बनी रहती है, यानी कि वो कभी भी आपके घर से समाप्त नहीं होते हैं। तो अधिकांश से आपको यही बताया जाता है सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। आज मैं आपको कुछ मात्र 10-5 रुपए वाली चीज़ें बताने जा रही हूँ। कहाँ हर किसी के पास इतना पैसा है जो वो इतना महंगा सोना, इतना महंगा चांदी खरीद के ला सकता है? तो क्या वो कुछ ना खरीदें? क्या वो उन्हें अधिकार नहीं है इस अक्षय तृतीया का विशेष फल प्राप्त करने का? जी बिल्कुल, हम अक्षय तृतीया को गलत अर्थ में लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम सोना खरीद लाएं, चांदी खरीद लाएं या धातु खरीद लाएं, बस केवल यही हमारा भाग्य। जी बिल्कुल नहीं, हमारा भाग्य बहुत सारी चीज़ों में निहित है। तो आज मैं इसी के ऊपर आपको विशेष चर्चा करने जा रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। राधे राधे, नमस्कार, मैं आपकी यशोदोस एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी यानी बेल के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस समय से मिलते रहें। 8 बजे मैं अमृत की बूंद और जादू अक्षर लेकर साथ में मन के विचार लेकर आती हूँ, तो उन्हें भी देखना आप बिल्कुल ना भूलें। मात्र 1 मिनट का प्रयोग होता है जो आपकी ज़िंदगी बदलने में समर्थ है। दोस्तों, अक्षय तृतीया अक्षय फल की प्राप्ति के लिए, तो इस दिन खाली धातु खरीदने से क्या होगा? खाली धातु खरीद लेने से ही हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आ जाती है। इस दिन हमें बहुत सारे ऐसे पुण्य कर्म करने चाहिए जिसका कि फल हमें मिले, और हमारे कर्मों से अगर कुछ पाप कर्म हो रहे हैं उनका क्षय हो और पुण्य कर्मों में वृद्धि हो, क्योंकि हमारे भाग्य का साथ हमें तभी मिलता है जब हमारे पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। लाइफ में सारी चीज़ें हमें तभी अट्रैक्ट होकर हमारे पास आती हैं जब हमारी और अधिक क्लीन होती है, और अधिक हमारे पास ग्रहों की पॉजिटिविटी होती है और हमारे पुण्यफल अच्छे होते हैं। तो इस दिन विशेष रूप से आप सभी को, कोई शनिवार तिथि है, सो सबसे पहला काम आपको करना है पीली वाली सरसों। इस पीली वाली सरसों को थोड़ा सा दूध में घोलकर, थोड़ा सा पानी, एक चुटकी हल्दी डालकर अपने शरीर पर मलकर छोड़ दीजिएगा 2-5 मिनट। उसके बाद पानी में पहले बाल्टी लीजिएगा, उसमें 2 बूंद गंगा जल डालिए और फिर इस जल से स्नान कीजिएगा, तो आपको गंगा नदी में नहाने के समान पुण्यफल की प्राप्ति होगी। साथ में इस जो आप लेप लगाया है, इससे आपको ग्रहों की पीड़ाओं से शांति मिलेगी और माता मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी। आपका गुरु ग्रह और आपका शुक्र ग्रह बली होगा। इसके साथ ही आपको इस दिन गरीबों में भोजन जरूर बांटना चाहिए। गरीबों में भोजन बांटिए जो आपकी श्रद्धा हो, एक सब्जी एक रोटी बांट सकते हैं, जो आपको इजीली बना सकते हैं या बाजार से खरीद के मार्केट से ला सकते हैं। गरीब व्यक्ति कौन? जैसे कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं आपके घर के आसपास कोई रहते हैं जिनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है उन्हें, या मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं भिखारी उन्हें, या फिर किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्धाश्रम में, किसी कुष्ठ आश्रम में, यहाँ आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। इनके खाने से इनकी तृप्ति जो होगी, उससे जो आपको मन से दुआएं देंगे, वो दुआएं आपके लिए जिंदगी भर काम करेंगी। आपके हर कार्य में अड़चनें भी आ रही होंगी ना, तो दूर करेंगी, आपकी आयु में वृद्धि करेंगी। तो ये एक आप उपाय जरूर कीजिए। इसके साथ ही आज के दिन आपको पीपल की जड़ को थोड़े से पानी से जरूर सींचना है, थोड़ा मीठा जल ले जाइए, इसमें थोड़ा चीनी काला तिल डालकर ले जाइए। याद रखिए दोस्तों, इसको आप सुबह 9 बजे से पहले पहले कर लेंगे। घी का दिया लेके जाइए और साथ में ले जाइएगा चींटियों के लिए आटा, आटा गुड़ चीनी सफ़ेद काले तिल एक ज़्यादा सी किसी पॉलीथिन में ले जाइए।
पीपल के पेड़ के नीचे ये दीपक जलाइए, ये जल आप अर्पित कर दीजिए और माता माँ लक्ष्मी से विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके साथ आपके घर चलकर निवास करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना है, ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप नहीं करना है, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला जाप करनी है। अब जो आटा आप ले गए हैं उसे किसी अन्य पेड़ के, इस पूजा में पेड़ की पूजा की यहाँ आपको नहीं रखना है, आपको किसी अन्य पेड़ की जड़ में वो पैकेट में छोटा सा छेद करके वहीं रखकर छोड़ाइए, ना तो बिखरेगा ना खराब होगा, चींटियाँ अपने आप अपना भोजन ढूंढ लेती हैं खा लेंगी। ये चींटियों को भोजन देने से, क्योंकि चींटी को बोला जाता है विष्णु स्वरूपा, विष्णु भगवान के दूत बोला जाता है, इनको खाने से आपका केतु ग्रह मजबूत होगा जो आकस्मिक धन का कारक होता है, आपके पुत्र का कारक होता है, आपकी ऊंचाई आपका झंडा होता है, तो इससे आपका झंडा सदैव ऊंचा रहे, ये कार्य आपको करना है। इसके साथ ही इस दिन किसी भी विष्णु मंदिर में आप पीला या सफ़ेद रंग का एक झंडा जिसपे स्वास्तिक बना हो या राम राम लिखा हो, इस झंडे को आप मंदिर की जो ऊपर बुर्जी होती है वहाँ लगवा देते हैं, तो यकीन मानिए आपके कुल खानदान का नाम रोशन करने लगता है, आपका केतु प्रबल होता है, आपका गुरु प्रबल होता है और जीवन में आपको मान सम्मान ऊंचाइयाँ प्राप्त होती हैं। ये विशेष उपाय हैं, इनमें कोई आपका खर्चा नहीं है दोस्तों, लग रही है तो आपकी श्रद्धा, महंगे सोना चांदी हर कोई कहाँ खरीद पाता है, और आज जो सोने का भाव चल रहा है उसमें तो आम इंसान के लिए खरीदना बहुत ही मुश्किल वाला काम है, एक तो भाग दौड़ भरी जिंदगी, ऊपर से इतने सारे खर्चे बच्चों के बड़ों के, तो केवल सोना आ भी जाएगा तो आपको उससे कुछ हासिल होने जाना नहीं है दोस्तों। इसके साथ ही इस दिन आपको पक्षियों को भोजन जरूर डालना है, तो पक्षियों को दाने की व्यवस्था कर सकते हैं, या अपने घर में बनाकर भी कोई मीठी रोटियां, एक चार पांच मीठी रोटियां बनाइए और पक्षियों के लिए तोड़ तोड़ कर डाल दीजिए, ये पुण्य फल की प्राप्ति कराता है आपको। इसके साथ ही अगर कोई विधवा स्त्री आपको दिखती है तो उसके पांव हाथ जरूर लगाइए और उसे भी कुछ दक्षिणा दीजिए और खाने की चीजें, इससे आपका चंद्रमा बलि होगा। विशेष रूप से इस दिन किसी भी मंदिर के दर्शन करके आइए, मिश्री का भोग लगाइए, खुद भी खाइए बांटिए और भगवान से अपनी कामना बोल कर आइए। आप अपने घर के मंदिर में तो भगवान विष्णु की आराधना करते ही होंगे, माता माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना कीजिए, आपको मैं इतने सारे मंत्र दे चुकी हूँ, उनमें से कोई आप कर रहे हैं तो उसी को आप विशेष अनुष्ठान कर लीजिए, उसका आज तीन माला जाप कर लीजिए। अगर कोई मंत्र नहीं कर रहे हैं तो हम ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की आप एक माला या तीन माला आप जाप कर सकते हैं संध्या के समय। विशेष रूप से आपको इस दिन क्या खरीद कर लाना है, आपको खरीद कर लाना है गुलाबी रंग का जरकन, यानी पिंक जरकन। दोस्तों ये मात्र 5 या 10 रुपए का पीस मिल जाता है, आप ज्वेलर्स के चक्कर में मत पड़िए कि इतना महंगा आता है, मात्र 5 या 10 रुपए का ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, किसी भी शेप में ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, किसी भी शेप में ले लीजिए। कोई आपको बेवकूफ़ बनाता है कि ये इतने रुपए का आता है, ये इतना महंगा होता है, मत मानिए, सिंपल सा 5 या 10 रुपए वाला पत्थर आप लाकर रख लीजिए। आप इसे ले आइए, शुद्ध गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, इसको एक येलो कलर के कपड़े पर रखिए, साथ में इसमें थोड़ी सी केसर रख दीजिए और इसे केसर रख के माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए और दूसरे दिन उठाकर इसमें गांठ लगाकर आप अपने धन स्थान पर रख लीजिए। ये छोटा सा जरकन, पिंक कलर का जरकन, आपकी लाइफ में गुरु देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की जो युति लेकर आएगा, यानी कि भगवान विष्णु की और माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाएगा, आपको धन के भंडारे भरे रहेंगे, आपके वर्ष भर आपके पास धन संपत्ति के मार्ग खुल जाएंगे, विभिन्न रास्तों से धन आगमन के सोर्स खुलेंगे। तो मात्र 10 या 5 रुपए का, हद से हद आएगा दोस्तों तो 20 रुपए का आ जाएगा, इससे ऊपर तो आप लेना भी नहीं, मैं आपसे मना कर रही हूँ, इससे ऊपर आता नहीं है। कोई आपको कहता है कि नहीं ये मैम महंगा आता है तो आपको वो ठग रहा है, बेवकूफ़ी बना रहा है। अब आपने कहा कि मैम ये नहीं मिले तब क्या करें, तो अगर आपके पास कौड़ी रखी है तो उन कौड़ियों को रख लीजिए, कौड़ी नहीं है तो आपके पास चांदी का सिक्का एक बाजार से ले आइए, उसे रख लीजिए। और इसके अलावा आप कौड़ी रख सकते हैं, मोती शंख रख सकते हैं, इनको भी इस तरह से आप पूजित करके घर के अपने धन स्थान पर रख लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। इन्हीं से आपके धन समृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे, अक्षय धन की प्राप्ति होगी। एक बात का और विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अक्षय तृतीया है तो इस दिन किसी पे चीखना, चिल्लाना, डांटना, इन कामों से आपको बचना चाहिए, किसी का दिल दुखाना, इनसे आप बचिए, तो यकीन मानिए कि वर्ष भर आपके घर में हर चीज़ की अक्षय प्राप्ति होने लगेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।
कुंडली का विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पे नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे किसी नए विषय के साथ, तब तक आपसे इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद।